अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औरतों का विरासत में हक और अहमियत, इसके बारे में हम देखेंगे। देखें, अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं सूरत निसा में, वो दो तरह के हैं। एक तो साहबुल फुरूज़ वाले हैं, जिनके हिस्से फिक्स हैं, मुकर्रर हैं, मुतय्यन हैं, और एक साहबुल तसीब वाले हैं, जिनको बाद में मिलता है रिमेनिंग शेयर। उसमें बेटा, भाई और पोता, भाइयों के बेटे, चाचा वगैरह, ये सारे उसी में आते हैं, जिसमें असबा कहा जाता है। पहले ग्रुप में असहाबुल फुरूज़ वाले हैं, जिनके से फिक्स हैं, मुकर्रर हैं, मुतय्यन हैं। उनमें देखें आप तो सारे जो असहाबुल फुरूज़ वाले हैं, वो तकरीबन तकरीबन औरतें हैं, उनमें ज़्यादा औरतें हैं। और देखें, ये कमज़ोर वारस हैं। ये जो असहाबुल फुरूज़ वाले होते हैं ना, इनको पहले मिला जाता है हिस्सा, तो इसके में भी औरतों की अहमियत का, विरासत में हक की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने इनके हिस्से फिक्स कर दिए। जैसे बेटी एक हो तो हिस्सा फिक्स है, एक से ज़्यादा बेटियां हों, सिर्फ मरने वाले की बेटियों के भाई ना हों साथ, तो इनके हिस्से फिक्स हैं। भाइयों के साथ हो तो फिर असबा बन जाती है। तो हम देखें, ये जितने भी सहाबुल फुरूज़ वाले लोग हैं ना, जैसे माँ, मरने वाले की बीवी, शोहर, बाप, दादी, नानी, ठीक है ना, बहन अगर एक है, ख्याफी बहन, ख्याफी भाई, सतीली बहन अगर एक ही है, एक से ज़्यादा, ये सारी औरतों के हिस्से अल्लाह ने फिक्स किए हैं। अगर ये अकेली हों तो इनका मतलब यही है कि ये, इनको जिनके हिस्से फिक्स होते हैं, इनको पहले दिया जाता है और मुकर्रर दिया जाता है, तो जो बाद में बचता है वो फिर असहाबुल तसीब में जाता है। तो इससे आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं अहमियत का, कि औरतों का कितना अल्लाह ताला ने इनको सिक्योरिटी दी है, कि इनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं ताकि इनको मिले, और ज़रूर मिले, और पहले मिले। तो इसलिए औरतों के, और सूरत निसा मतलब औरत, और जब बेटी और बेटे हों तो पैमाना भी अल्लाह ने औरतों को बनाया कि जितनी दो औरतों के बराबर एक मर्द लेगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरतों के हक की कितनी अहमियत है कुरान में। तो इसलिए जब भी ऐसा कोई मसला हो तो आप इसको ज़रूर देखें। बाकी देखिए, इसमें अगर लाइल्मी पाई जा रही है लोगों को, लोगों में उनको हिस्से नहीं दिए जा रहे अगर, तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह एक जहालत है, दीन से दूरी है। बाज़ कद इंसान को किसी इलम का पता नहीं होता, तो इसलिए फिर उसको इसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी उलमा को भी चाहिए इसमें एक जुमा वगैरह में, खुतबात में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खुतबे दिए जाएँ विरासत के बारे में। बहुत कम हमने देखा है मस्जिद में, 10-10 साल, 20-20 साल हो गए एक चीज़ को देखते, यानी कि बहुत कम इसके ऊपर बयान होते हैं, जुमे होते हैं। तो अगर हम लोगों को इसका इलम देंगे, उलामा भी इसमें खामोश हैं, वो भी अगर बताएंगे, तो फिर लोगों के पास जब इलम होगा तो फिर ही उसमें अल्लाह का डर भी होगा दिलों में, और लोग इस पे अमल करेंगे। तो इसलिए उलामा को भी चाहिए इसमें को लोगों को बताया जाए, इसका इलम बताया जाए, इसके तरीके बताए जाएँ, किस तरह बेटी बेटों में हिस्से होते हैं। और जो आजकल चल रहा है माफ़ी के नाम पे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब इसको बहनों को, बेटियों को हिस्सा ही नहीं मिल रहा, हाथों में नहीं आ रहा, तो वो किस तरह आप कहेंगे कि वो दे रही हैं किसी को? तो जब हाथों में आएगा तो फिर शायद कोई ना दे। इसी तरह मरने वाले की बीवी का हिस्सा है, वो उनको दें। जैसे एक शख्स फोत होता है, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, तो पहले माँ बाप को दें, फिर बीवी को दें, फिर बाद में बच्चों को दें। तो ये सारी तरतीब है। तो औरतों के हक, अल्लाह ताला ने ये सूरत निसा में कानूनी औरतों के लिए नाजिल किया, क्योंकि मर्दों का मसला नहीं था। इनको तो ज़माना जाहिलियत में भी मिल रहा था, ठीक है, मर्द तो लाड़ झगड़ के ले ही लेते थे, लेकिन मसला औरतों का था। तो अल्लाह के नबी की दौलत में सबसे पहले औरत ही आई थी मसले के लिए। उनको, उन्होंने कहा कि उनके शोहर फौत हुए और उनकी ये दो बेटियां, और उनकी दो बेटियां थी और एक बीवी। तो फिर अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया कि आपका 2/3 है, यानी कि 2/3 है, ठीक है ना, तीन हिस्सों में से दो हिस्से, और बीवी का 1/8, ये तकरीबन 80% बनता है, और 20% मरने वाले के भाइयों को। तो फिर ये कानून आयतें नाजिल हुई। तो इसलिए औरतों की ही रियायत की वजह से ये सारा कानून नाजिल हुआ है, और हमें औरतों के हिस्से जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं वो देने पड़ेंगे, और इसके ऊपर जन्नत की बिशारतें हैं। अगर हम इसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो फिर इसके ऊपर जहन्नम की वईदें भी हैं, बहुत जो सख्त हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हमें
हैं, सोचना चाहिए और कुरान सुन्नत के मुताबिक ही हमें इसके तकसीम करना चाहिए। तो ये हमने आज देखा कि औरतों की कितनी अहमियत है, यानी कि अल्लाह ने रखी है हिस्से लेने के हवाले से, कि इनके हिस्से फिक्स कर दिए हैं, हालांकि मर्दों के हिस्से फिक्स नहीं हैं, सिवाय बाप या दादा या ख्याफी भाई शोहर, ये इनके सिर्फ मर्दों में से हैं। बाकी ज़्यादातर जो हिस्से फिक्स किए हैं वो औरतों के ही हैं, ताकि इनको पहले दिया जाए और फिक्स दिया जाए। इसलिए हमें इन चीज़ों को देखते हुए ही विरासत को तकसीम करना चाहिए और इसका इल्म भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसका बुनियादी इल्म तो हर किसी के ऊपर फ़र्ज़ है। चलें तफसीली उलमा, तफसीली जो मालूम है वो तो उलमा का काम है, लेकिन इसकी जो बुनियादी बुनियादी मालूम है वो हर किसी के ऊपर फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।